हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे तवा पिज्ज़ा, चिकन तवा पिज्ज़ा। चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 बाउल, उसमें लिया है थोड़ा गर्म पानी 1 कप, 1 स्पून शुगर और 1 स्पून ईस्ट मिला के ढक के रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। अब 5 मिनट हो गया है, मैंने इसमें डालूंगी 2 कप मैदा और 1 पिंच सॉल्ट। अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल के आधा घंटे के लिए ढक्कन रख के रख देंगे साइड पे। अब हम टॉपिंग्स रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है 4 पीस चिकन, 1 ऑनियन, 1/2 कैप्सिकम, अच्छे से चॉप कर लेंगे और एक तवा चढ़ाएंगे। मैंने डाला है थोड़ा सा 1 स्पून ऑलिव ऑयल और चिकन को सॉटे कर लेंगे। हाफ स्पून नमक, 1 स्पून पेपर पाउडर, 1 थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, कैप्सिकम। 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। थोड़ा पिज्जा सीजनिंग भी डाल देंगे। अब हम अमूल चीज, पिज्जा टॉपिंग और सीजनिंग, अच्छे से पिज्जा चीज ग्रेट करके ले लेंगे। आधा घंटे में हमारा डो रेडी हो गया है। इसको थोड़ा मैदा डस्ट करके थोड़ा नीट कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसका 3 पोर्शन काट लेंगे। मैंने इधर 3 बनाना है, आप लोग 2 भी बना सकते हो। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम। एक पैन ले लिया है मैंने, उसके ऊपर लगा दिया है हमारा पिज़्ज़ा डो को। मैंने डाला है पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज और ऊपर से टॉपिंग डाल देंगे। और अब इसके ऊपर चीज डाल देंगे फिर से। अब हम गैस में लगा देंगे लो मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसको काट लेंगे।
थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनल डाल देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप डाल सकते हो। अब हम काट लेंगे। पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। आप भी बनाइए घर पे, खाइए और ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग बना के खाए हो तो कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर।